नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एरुटेक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। जी हां दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड में हो सकता है 1000 करोड़ रुपए का निवेश, एमडी ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, ये यस बैंक लिमिटेड के जो एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, उन्होंने खुद बात बताई है। लेकिन इस न्यूज़ को सुनने के बाद ऐसा नहीं कि आप कल सुबह उठते ही यस बैंक लिमिटेड में पैसा झोंकना चालू कर दें और अंधाधुंध खरीदारी चालू कर दें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। क्योंकि देखिए, न्यूज़ कभी भी बदल सकती है। न्यूज़ एक पल में आती है और एक घंटे में चेंज आती है। जब तक न्यूज़ जो है अपनी ज़मीनी हकीकत तक नहीं पहुँचता, तब तक आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी स्टॉक में यदि आप आँख मूंद कर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको धोखा ही मिलेगा दोस्तों। क्योंकि ये शेयर बाज़ार है और यहाँ पर 100% कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे खुलासे करूँगा जिससे आप ये समझ जाएंगे कि यस बैंक लिमिटेड में आखिर हो क्या रहा है और किसी भी स्टॉक में हमें करना क्या चाहिए। तो बने रहिए जेके एरुटेक के साथ और वीडियो में अंत तक पूरा बने रहिए, तभी जाकर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और आज जो न्यूज़ दोस्तों आई है यस बैंक लिमिटेड को लेकर, जो इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है, एक खुद जो इसके सीईओ हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, इन्होंने कही है। यदि आप इस न्यूज़ को चेक करना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इस न्यूज़ को देख सकते हैं, क्योंकि वहां से ही मैंने ये न्यूज़ कवर की है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं कि न्यूज़ क्या है। यस बैंक लिमिटेड के जो सीईओ हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है जो यस बैंक लिमिटेड की जो एसेट कंस्ट्रक्शन आर्म्स है उसमें जो है अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्ट इन प्रपोज एसेट रिकंस्ट्रक्शन आर्म, यानी कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन आर्म्स क्या है दोस्तों और कितने रुपए का निवेश होने वाला है ये भी जानेंगे। देखिए वैसे तो 50,000 करोड़ की बात का टारगेट रखा जा रहा है और यस बैंक लिमिटेड के जो मैनेजमेंट है उनका कहना है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है वो जो है फॉरेन जो फर्म है विदेशी फर्म है वो जो है यस बैंक लिमिटेड की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एआरसी जो लॉन्च होने वाली है उसमें जो है 50,000 करोड़ यानी कि $6.86 बिलियन यहाँ पर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है यस बैंक लिमिटेड की तरफ से। लेकिन अभी भी फिलहाल 1000 करोड़ की बात कही जा रही है और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो जो है नियरली 25 बिलियन रुपीज़ के करीब जो है इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन जब तक इसमें निवेश नहीं होता है एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तब तक आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेना है और जल्दबाजी में बिल्कुल कोई भी कदम आपको नहीं उठाना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब यस बैंक लिमिटेड का शेयर डिस्ट्रॉय हुआ था 6 मार्च को, जब इसका शेयर एक ही दिन में दोस्तों 90% गिर गया था, तो उस समय RBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिया था कि आप जो है यस बैंक लिमिटेड को संभालो। और वहाँ पर ये RBI ने जो है 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी फंड डाला था ताकि यस बैंक लिमिटेड को बचाया जाए। बहुत से लोग बोलते हैं कि यस बैंक लिमिटेड का शेयर 1 रुपये पे आ जाएगा, 2 रुपये पे आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यदि उसको बर्बाद होना होता तो जब इसका शेयर 5 रुपये 65 पैसे पे आया था दोस्तों 6 मार्च 2020 को, उसी दिन ये बर्बाद हो गया होता। लेकिन ये बैंक फिर से जीवित हुआ, फिर से खड़ा हुआ और मजबूती के साथ खड़ा हुआ और इसके क्वार्टर रिजल्ट जीता जाता सबूत है कि इसके क्वार्टर नतीजे जो हैं किस प्रकार के आ रहे हैं। तो अभी भी फॉरेन ब्रोकरेज से बात हो रही है दोस्तों फंडिंग को लेकर, और जो इसकी ARC कंपनी है इसमें जो है फंड की रिक्वायर है। यदि यस बैंक लिमिटेड में इसके जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन को चालू करने के लिए सरकार भी दोस्तों 40,000 करोड़ का पैकेज यहाँ पर दे रही है, तो यदि यस बैंक लिमिटेड में ये न्यूज़ सही साबित होती है और कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट करता है तो फिर यहाँ पर यस बैंक लिमिटेड का शेयर रॉकेट बनता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन उससे पहले आपको किसी भी ऐसी न्यूज़ को सुनकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं बार बार राय देता हूँ दोस्तों, हुआ क्या, आप इसका जीता जाता सबूत दोस्तों देख सकते हैं फ्री टेल के शेयर में। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किशोर बिनयानी की कंपनी फ्यूचर ग्रुप को ख़रीदा था तो उस समय लोग 300-250 रुपये के भाव पर खरीद लिए कि रिलायंस ने खरीदा है, इसका शेयर तो 300-600 हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। लेकिन आज उन लोगों से पूछिए, आज भी उस जाल में फंसे हुए हैं और बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और यस बैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के बीच जो डील हुई है उसको लेकर अमेजन किस प्रकार से टांग लड़ा रहा है ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों यस बैंक लिमिटेड की राय कैसे बदल रही है। पहले लोग यहाँ पर सेलिंग कॉल देते थे, अब लोगों की राय बदल गई है।
यही होता है चाल दोस्तों, और यही है स्टॉक मार्केट की सच्चाई। पहले लोग कॉल देते थे 9 रुपए का, 11 रुपए का, अब वही लोग कह रहे हैं कि अब यस बैंक लिमिटेड का टारगेट प्राइस रखे हैं 19 रुपए। तो इस चीज से आप क्या समझ रहे हैं? अब आप सोचेंगे कि अरे यार हो क्या रहा, पहले तो लोग कहते थे कि इसका शेयर 9 रुपए पे चला जाएगा, 6 रुपए पे चला जाएगा, 11 रुपए पे चला जाएगा, इसकी एसेट क्वालिटी कमजोर है, इसको बेच के निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने का जो प्लान चल रहा था दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि यस बैंक लिमिटेड में किस प्रकार से लोगों को उल्लू बनाया गया, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस जाल में नहीं फंसे होंगे। यही दोस्तों शेयर बाजार है। पहले जो ब्रोकरेज कंपनियां थी, जो ब्रोकरेज फर्म थे, वो यस बैंक लिमिटेड को सेल कॉल देते थे, अब टारगेट प्राइस दे रहे हैं 19 रुपए का। अब जो लोग, जब 6 रुपए का जो टारगेट प्राइस रखा गया था, 11 रुपए का टारगेट प्राइस रखा गया था सेलिंग कॉल का, उसमें जो लोग बेच के निकल गए होंगे वो घाटे में होंगे, और जो जिन लोगों ने नहीं बेचा है उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी वो स्टॉक में, यस बैंक लिमिटेड के शेयर में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। यदि आप चार्ट को एनालाइज करें तो चार्ट जो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आ रही है, लेकिन जो 15 रुपये का इसका सबसे तगड़ा सपोर्ट लेवल है वो अभी भी बरकरार है। जब तक 15 रुपये का सपोर्ट लेवल नहीं टूटता है तब तक आपको घबराने की बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि यदि 15 रुपये का लेवल टूट भी जाता है तो भी फिर शेयर यस बैंक लिमिटेड का 1 रुपया तक तो नहीं आएगा, फिर दोबारा खड़ा होगा दोस्तों। और यस बैंक लिमिटेड में एक डेटा मैं आपको और प्रेजेंट करूँगा, इस डेटा से आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और यस बैंक लिमिटेड को किसी भी कीमत पर घाटे में नहीं बेचेंगे। आपको याद होगा दोस्तों कि जब अक्टूबर में यस बैंक लिमिटेड ने अपना Q2 का रिजल्ट पेश किया था, उसके अगले दिन इसमें जो है 4.45% का अपर सर्किट लगा, फिर EMK ग्लोबल ने इसको सेलिंग कॉल का ऑर्डर दिया, सेलिंग कॉल रेट दी, और टारगेट प्राइस रखा दोस्तों 9 रुपये। तो उस समय लोग घबराए हुए थे और लोगों ने अपना शेयर बेचना चालू किया, और धीरे धीरे यस बैंक लिमिटेड का शेयर धुंधला पड़ता गया। मैं जैसे मालूम हो रहा था कि ये यस बैंक लिमिटेड नहीं, ATCS है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें ट्रेडिंग कम देखने को मिलती है, और जो पेनी स्टॉक्स होते हैं जैसे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हो गया, जंप नेटवर्क हो गया, इसमें दबाकर माल उठाया जाता है, लेकिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और यस बैंक लिमिटेड दोस्तों पेनी स्टॉक्स नहीं है। यस बैंक लिमिटेड एक मल्टीबैगर स्टॉक है, तो इसमें भी कुछ इसी तरीके का कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है। बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन से, तो 16.65 रुपये से ओपन हुआ, 16.70 रुपये यस बैंक लिमिटेड का आज डे का हाई रहा, 16.30 रुपये आज डे का लो रहा, और 16.40 रुपये पे आज यस बैंक लिमिटेड ने अपनी क्लोजिंग दी। बात करें NSE पर, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, तो आज की डेट में 8,01,83,508 की क्वान्टिटी में यस बैंक लिमिटेड में शेयर ट्रेड किए गए हैं, जिनमें से 3,29,67,952 की क्वांटिटी में यहाँ पर यस बैंक लिमिटेड में शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है। तकरीबन 41.12% के करीब में यस बैंक लिमिटेड में माल उठाया गया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि जो 8,01,83,508 की क्वांटिटी में जो NSE में आज वॉल्यूम ट्रेड किया गया है, उतना तो पर डे उठाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, उतना तो पर डे वॉल्यूम की डिलीवरी उठाई जाती थी, लेकिन आज टोटल वॉल्यूम NSE पे इतना जनरेट हुआ, इससे साफ नजर आता है कि लोग यहाँ पर यस बैंक लिमिटेड को इग्नोर कर रहे हैं। और देखिएगा, जब जब लोगों ने यस बैंक लिमिटेड को इग्नोर किया है, इसको छोड़ा है, फिर वहीं से यस बैंक लिमिटेड बाउंस किया है। अक्टूबर में भी ऐसी कंडीशन थी जब 14.15 रुपये के बीच में ये फंसा हुआ था, फिर अचानक से जब 21 रुपये पे गया तो लोग धावा बोल दिए कि चलो यार खरीद लेते हैं, ये तो 25 का हो जाएगा। लेकिन 14.15 पे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उनको लग रहा था अब ये कुछ नहीं होगा, ये तो मर चुका है, इसमें कुछ होने वाला ही नहीं है। लेकिन जो लोग मजबूती के साथ खड़े हुए उनको 70% का रिटर्न मिला होगा। तो यस बैंक लिमिटेड में आपने पोजीशन बढ़िया बनाया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लॉन्ग ले जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं, इसे शॉर्ट टर्म में कभी नहीं बेचेंगे, और जो इसको जितना ज़्यादा लॉन्ग ले जाएगा उतना ज़्यादा यस बैंक लिमिटेड में वो मुनाफा कमा पाएगा। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आए हैं, तो फिर यस बैंक लिमिटेड आपके लिए नहीं है। यदि आप इसको होल्ड रख सकते हैं 6 महीना 1 साल 2 साल, तो फिर आपको ये मोटा रकम बनाकर जरूर देगा। इस बात को बाद समझ लीजिए, आज नहीं तो कल आप समझ जाएंगे खुद।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे, और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आल घंटी वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जेके एडुटेक की तरफ से जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।